नमस्कार शर्मा जी, टेक्निकल में आपका स्वागत है। और आज हम जो एक स्मार्ट वॉच का रिव्यू करने वाले हैं, हाँ नहीं, हालांकि ये जो स्मार्ट वॉच है ये चाइनीज़ मेड है, DZ09 करके एक जो है सिंगल सिम वाली स्मार्ट वॉच है जो कि हमने गियर बेस से मंगवाई है। आप देख सकते हैं बॉक्स किस तरह से है, बॉक्स का जो वेट है वो काफ़ी लाइट है और जो पैकिंग है वो कुछ इस तरह से आपको जो है इस बॉक्स में जो है वो डाल के दी गई है। कुछ इस तरह से जो है इस बॉक्स के अंदर ये जो आई थी और ये रैपर जो है हमने काट लिया और बॉक्स को जो है वो निकाल लिया और आपके सामने ही जो है हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। यहाँ पर ये दो स्टिकर जो है वो लगाए गए हैं। और कहाँ पर ये मिलती है, इसकी जो कीमत है वो आज की तारीख में $19.99 है, लेकिन $19.99 की है। अगर आप लेना चाहते हो ले सकते हैं। लगभग आपको ये पड़ेगी तो लगभग आपको ये 1300 से 1400 रुपये की पड़ सकती है अगर आप इसको आज की तारीख में लेते हैं। तो ये जो है यहाँ पर हम जो इसका स्टिकर जो है वो कट कर लेते हैं और आपके सामने आपके साथ में हम भी देख लेते हैं कि ये जो स्मार्ट वॉच है किस तरह से मिलती है। ये देखिए, तो ये ओपन कर लिया हमने। यहाँ पर जो है एक यूज़र मैनुअल दिया गया है जो कि ऊपर चिपक ही गया है। यूज़र मैनुअल जो है वो चाइनीज़ में है और इंग्लिश में है। जी हाँ, तो इंग्लिश के अंदर भी है यहाँ पर। ये देखिए, तो काफ़ी चीज़ें जो है स्मार्ट वॉच कर सकती है, इसको हम देखेंगे बाद में। फिजिकल ओवरव्यू लेते हैं आपको, पहले दिखा देते हैं किस तरह की जो है वो वॉच है। देख सकते हैं आप, यहाँ पर गोल्डन कलर की है अभी तक तो। और इसका जो है रैपर ये निकाल लेते हैं यहाँ से बाहर हम। ये देखिए, जी हाँ, ये देखिए, तो कुछ इस तरह से आपको जो है वॉच मिलती है। हालांकि इसकी स्क्रीन के ऊपर एक स्क्रीन गार्ड लगा हुआ है, यहाँ पर देखते हैं आप, एक फ्रेम लगी हुई है, इसको हम रिमूव कर लेंगे अभी। और फिजिकल ओवर लेते हैं पहले, जो स्ट्रैप का जो मटेरियल है वो किस तरह से आपको मिलता है। और पीछे की तरफ भी आप देख सकते हैं कैसा डिज़ाइन जो है वो दिया गया है, गोल्डन कलर का है। यहाँ पर देख सकते हैं आप डायल जो है, इस देखिए इस तरह से। यहाँ पर जो है एक कैमरा है मेरे ख्याल से, कितने मेगापिक्सल का वो भी हम चेक करेंगे। यहाँ पर जो है माइक दिया गया है आपको। और पीछे की तरफ आप देखते हैं किस तरह से डिज़ाइन दिया गया है। जो बैक कवर है वो ओपन हो सकता है यहाँ से। ये देखिए, तो बैक कवर कुछ इस तरह से आप ओपन कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप जो है एक सिम एसडी कार्ड लगा सकते हैं और एक जो है वो सिम कार्ड भी लगा सकते हैं। और जो बैटरी है वो मेरे ख्याल से यहाँ पर अलग से दी गई है। ये देखिए, तो ये जो है बैटरी दी गई है यहाँ पर। बैटरी की जो कैपेसिटी है वो कितनी है, 380 mAh की जो है बैटरी दी गई है। उसके साथ में आप और भी कुछ चीज़ें दी गई हैं, वो भी आपको दिखाते हैं यहाँ पर। और उसके साथ में आपको जो एक स्क्रीन गार्ड दिया गया है अलग से लगाने के लिए, क्योंकि अगर आप पहला वाला हटाते हैं दूसरा लगा सकते हैं। और साथ में आपको जो है वो USB केबल दी गई है चार्जिंग के लिए, तो कुछ इस तरह से। तो इसको जो है मैं सारा कुछ कनेक्ट कर लेता हूँ, फिर जो है वो आपको दिखाता हूँ स्टार्ट करके। चलिए, आप जो है सिम कार्ड लगा लेते हैं। तो सिम कार्ड आप इसमें जो है एक माइक्रो सिम कार्ड लगा सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने एक जो है सिम लगा दिया है। ये देखिए, आप सिम कार्ड लगा दीजिए यहाँ पर और इसको जो है वो लॉक कर दीजिए। ये देखिए, सिम कार्ड लॉक हो गया है। उसके बाद में आप जो है एसडी कार्ड लगा सकते हैं। तो मेरे पास में 32 GB का एसडी कार्ड है, तो 32 GB का लगा के देखते हैं कि जो है इसमें चलता है या नहीं चलता है। ये देखिए, तो एसडी कार्ड फिट कर दिया हमने। और उसके बाद जो है बैटरी, बैटरी को कुछ यहाँ पर जो है हम फिट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। ये देखिए, और बैटरी जो है हम कुछ यहाँ पर इस तरह से जो है वो फिट कर सकते हैं। तो बैटरी फिट कर दी हमने, बैक कवर को भी फिट कर देते हैं यहाँ पर। बैक कवर भी फिट कर दें यहाँ पर। और ये देखिए, तो बैक कवर हमने फिट कर दिया है। यहाँ पर आपको जो है वो चार्जिंग के लिए पोर्ट मिलता है, जिसमें आप जो है वो माइक्रो USB केबल लगा सकते हैं और चार्ज कर सकते हैं इसको। ठीक है, ये जो हमारी वॉच है और यहाँ पर जो आपको पावर बटन दिया गया है, तो मैं इसको प्रेस करता हूँ और देखते हैं। ये देखिए, बूट हो गया है। और आपको काफ़ी पास से दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं किस तरह से आपको जो है वो डिज़ाइन मिलता है। ये देखिए, कुछ तरह से इस तरह का जो कुछ इस तरह से जो एनिमेशन है स्मार्ट वॉच लिखा गया है। और आप देख लीजिए, बिल्कुल एक एंड्रॉयड जैसी फीलिंग जो यहाँ पे आ रही है। सिम कार्ड इसने डिटेक्ट कर लिया है, बोलता है कि वोडाफोन है यहाँ पर। टाइम वगैरह जो है इसने यहाँ पर नहीं किया। टच स्क्रीन है, तो सबसे पहले हम जाएंगे मेन्यू के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से आपको ये चलता है। और टूल्स हैं यहाँ पर, टूल्स में भी दिए गए हैं कई ऑप्शन कॉन्टैक्ट ऐड वगैरह करने के लिए। ये देखिए, इस तरह से मेन्यू में चलते हैं यहाँ पर और सेटिंग में चलते हैं। सेटिंग में देखते हैं क्या कुछ है। फ़ोन सेटिंग दी गई है, नोटिफिकेशन दिया गया है, कॉल सेटिंग, नेटवर्क सेटिंग, कनेक्टिविटी, सिक्योरिटी, रीस्टोर सेटिंग, ये सब जो है वो दिया गया है। फोन सेटिंग में देखते हैं, डेट एंड टाइम यहाँ पर दिया गया है, तो अपना जो है डेट एंड टाइम जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम जो है न्यू दिल्ली सेलेक्ट कर लेते हैं टाइम सिटी के अंदर। ये देखिए, ये हमने जो है वो सेव कर दिया यहाँ पर, टाइम सेव हो गया। और फॉर्मेट ये बोलता है तो 12 घंटे कर देते हैं। और जो डेट एंड टाइम है DD डेट मंथ वाइज कर देते हैं। और डेट सेपरेटर जो है वो हाइफन ही हम यूज़ करेंगे। तो ये हमने जो यहाँ पर सेव कर दिया है। बैक के लिए यहाँ पर आपको जो है बटन दिया गया नीचे की तरफ, शेड्यूल कर सकते हैं पावर ऑन या ऑफ, लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें जो है इंग्लिश, फ्रांसीसी, ये 4-5 लैंग्वेज जो है वो ही दी गई हैं और हिंदी लैंग्वेज में जो है वो नहीं है। प्रेफर्ड इनपुट दिया गया है यहाँ पर, तो वो भी स्मार्ट ABC चलने देते हैं। विजिट मैनेजर, शॉर्टकट मैनेजर, डिस्प्ले, फ्लाइट मोड, ये सब जहाँ पर जो है वो दिया गया है। ये देखिए इस तरह से। नोटिफिकेशन सेटिंग देख लेते हैं, मैसेजिंग ऑन या ऑफ, कॉल लॉग, डाउनलोड्स यहाँ पर आपको दिए गए हैं। कॉल सेटिंग में चलते हैं, तो कॉल वेटिंग, कॉल डाइवर्ट, लाइन सेटिंग, एडवांस सेटिंग, ये सब देख लेते हैं यहाँ पर। कॉल टाइम रिमाइंडर, ये सब आपको यहाँ पर दिए गए हैं। नेटवर्क सेटिंग भी देख सकते हैं आप। GPRS कनेक्शन इसमें आपको चल सकता है जब रिक्वायर्ड है। GPRS डेटा जो है ये सब
तो मेरे ख्याल से इसमें वाईफाई कनेक्टिविटी देखते हैं, वाईफाई है क्या? जी नहीं, तो इसमें वायरलेस अभी तक तो मुझे दिखा नहीं कहीं, तो इसमें वायरलेस जो है वो यहाँ पे नहीं दिया गया है। ये देखिए बीटी डायलर भी दिया गया है, सेटिंग है, मैसेजिंग है, और आप यहाँ से देख सकते हैं कुछ नोटिफिकेशन। ये देखिए तो ब्लूटूथ है यहाँ पर, ईयरफोन है, फ्लाइट मोड है, ब्राइटनेस का लेवल आप यहाँ पर कम ज़्यादा कर सकते हैं अगर आपको किस तरह से जो है वो चाहिए। तो फुल कर लेते हैं इसको अभी के लिए। यहाँ पर नोटिफिकेशन को ओपन कर दिया है, और ऑप्शन क्या है, रिमोट नोटिफायर दिया गया है, कैमरा दिया गया है, पेडोमीटर दिया गया है, स्लीप मॉनिटर दिया गया है, स्मार्ट सर्च दिया गया है, अलार्म क्लॉक, कैलकुलेटर, फाइल मैनेजर देख लेते हैं हमारा जो मेमोरी कार्ड है उसमें, और इसमें देख लेते हैं कुछ म्यूज़िक वगैरह है क्या हमारे पास में। तो जी रही म्यूज़िक वगैरह कुछ नहीं है, वीडियो फाइल है, तो ये जो है वीडियो तो नहीं चला पाएगा। चलिए तो मेमोरी कार्ड भी चलता है इसमें, ऑडियो प्लेयर है यहाँ पर, और देखिए एफएम रेडियो भी दिया गया है। तो एफएम रेडियो हम यहाँ पे कहता है कनेक्ट करो ईयरफोन्स, तो ईयरफोन्स कहाँ से कनेक्ट होंगे? तो ईयरफोन तो मेरे ख्याल से इसमें ब्लूटूथ से कनेक्ट करने पड़ेंगे यहाँ पर। ये देखिए तो कुछ इस तरह से इसको और थोड़े दिन यूज़ करता हूँ मैं, और उसके बाद में पता लगेगा किस तरह से जो है ये अच्छे से काम जो है वो कर सकता है। साउंड रिकॉर्डर है, चलिए कैमरा देख लेते हैं इसका। ये कहता है कि नोटिफायर इंस्टॉल करो, तो ये सब हम जो आपको करके दिखाएंगे थोड़े दिनों के बाद में। और ये जो स्मार्ट वॉच है आपके हाथ में कुछ इस तरह से जो है वो सच सकती है, लग सकती है। उसके बाद आपको इसको अगर टाइम देखना है तो आप इसको दबाएंगे, और आप जो टाइम देख सकते हैं दो तीन थीम यहाँ पर दी गई हैं, आप इस तरह से टच करेंगे तो ये जो थीम बलती रहेगी। तो तीन इसमें डायल दिए गए हैं, एक नंबर, दो नंबर, और ये जो है वो तीन नंबर। तो इस तरह से आप जो इसमें टाइम भी देख सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो हमारा पहली बार स्मार्ट वॉच का जो अनबॉक्सिंग रिव्यू पसंद आया होगा। तो अगर आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं इसके लिए जरूर से पूछ सकते हैं, मैं इसका एक और रिव्यू जो है बनाने वाला हूँ। कुछ दिन इसको यूज़ करूँगा और देखते हैं कि इसका जो बैटरी बैकअप है वो किस तरह से है, कॉल किस तरह से हो सकती है, अगर कुछ गेम वगैरह है या म्यूज़िक वगैरह है, सारी चीज़ें मैं इसमें देखूंगा और आपको जो है वो बताने की कोशिश करूँगा। तो शर्मा जी टेक्निकल के इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बने रहो हमारे साथ और बोलते रहो जय हिंद, वंदे मातरम।